सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद हुए मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। मंगेश के एनकाउंटर की सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरीखे नेता मुखालफत कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने तो मंगेश के एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। इस बीच अखिलेश यादव ने फिर से उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर लिखा कि पहले किसी को उठाओ, झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव में प्रलोभन से उन्हें दबाओ। अखिलेश ने पोस्ट के अंत में लिखा कि बीजेपी अपने दल बल के साथ ऐसे एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वह एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव व प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीति दलों द्वारा भंडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ, फिर जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाली मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ, फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैरकानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कराओ, सच्चे मीडिया को विपक्ष या विदेशी समर्थन में जीने वाला साबित करने करके उनकी बदनामी करवाओ और जनाक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच करवा कर मामला रफा दफा करवाओ। गौरतलब है कि अखिलेश शुरू से मंगेश यादव एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, वहीं मंगेश के परिजन इसको फेक एनकाउंटर करार दे रहे हैं। इस बीच पुलिस एसटीएफ की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल एनकाउंटर की जाँच मजिस्ट्रेट से कराई जा रही है, लेकिन परिवार को सीबीआई जाँच पर भी भरोसा है। मालूम हो कि सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में 28 अगस्त को एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। इस लूटकांड के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव इस लूटकांड में शामिल आरोपियों में से एक था और उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था।